नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही जानकारी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत दिनों से एक खबर चल रही थी कि रिटायरमेंट उम्र जैसे ही 33 साल की नौकरी हो जाती है, वैसे ही दोस्तों आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस बात पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और जो बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला था वो दोस्तों ख़त्म हो गया है और इस पर सरकार की ओर से पूरा खुलासा कर दिया गया है राज्यसभा के अंदर। तो देखते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह की जानकारी के लिए अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबा लें। तो शुरू करता हूँ इस वीडियो को। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जा कर के क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ में दोस्तों, यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर ज़रूर पधारें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई कर्मचारी 18 साल की उम्र में भर्ती होता है और वह 33 वर्ष की सेवा करता है, उसके बाद दोस्तों कुल मिलाकर उसकी जो आयु होती है वो होती है दोस्तों 51 वर्ष, और उसे 51 वर्ष में रिटायर कर दिया जाएगा। इस प्रकार का बहुत दिनों से असमंजस था और ये पूरी खबर चल रही थी। तो दोस्तों, इसी के ऊपर श्री ए विजय कुमार ने राज्यसभा के अंदर प्रश्न संख्या 2834 के माध्यम से कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के संबंध में प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा के अंदर दिया, जो कि इस प्रकार से है। दोस्तों, प्रश्न था कि क्या सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में ऐसा अनुमान है कि इसे या तो 33 वर्ष की सेवा पूरी होने तक या 60 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो निर्धारित किया जा रहा है। इसका उत्तर था दोस्तों, वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। साथ ही दोस्तों, एक दूसरा प्रश्न था जो था, क्या सरकार स्वर्णिम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा लाएगी। तो दोस्तों, इसके भी उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार का ऐसा कोई भी विचार अभी तक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। अब दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट जो उम्र है वह कम क्यों नहीं करना चाहती है। तो सबसे पहला कारण यह है कि कर्मचारी जब भर्ती होता है यानी कि सरकारी नौकरी पाता है, उस समय दोस्तों उससे सेवा शर्तों पर एक एग्रीमेंट करवाया जाता है, जिसमें इस प्रकार का कोई भी उल्लेख न होने के कारण भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरी बात दोस्तों आती है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को समय से पूर्व सेवानिवृत्त करती है तो इसमें सरकार का नुकसान होगा, क्योंकि वह एक तरफ सेवानिवृत्त किए गए कर्मचारी को पेंशन देगी, दूसरी तरफ नए कर्मचारी को भर्ती करके उसको वेतन देगी। इस प्रकार से सरकार के ऊपर बिना वजह अतिरिक्त आर्थिक बोझ हो जाएगा, इसलिए सरकार यह कदापि नहीं करना चाहेगी। दूसरी बात दोस्तों, किसी कर्मचारी को समय से पूर्व सेवानिवृत्ति देने से सरकार का एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट होगा, जो कि दोस्तों सरकार यह भली भांत जानती है। इस वजह से सरकार किसी भी दृष्टि से सेवानिवृत्ति आयु को कम करने के बारे में नहीं सोचेगी। दोस्तों, वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां क्लिक करके पूरी जानकारी देख सकते हैं। साथ ही या तो आप राज्यसभा के क्वेश्चन आंसर में जा करके संबंधित क्वेश्चन को सर्च करके देख सकते हैं। तो मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।